स्वागत है आपका ज्ञापन एकेडमी के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास टेंथ का जबरदस्त बेसिक टॉपिक लेसन 7 जो है निर्देशांक ज्यामिति, यानी कि हम लोग ज्यामिति पढ़ने जा रहे हैं। यानी किसी भी चीज को कैसे मापते हैं, कितना दूर है, कौन सा इस ज्यामिति में पढ़ेंगे, लोकेशन पता करेंगे। मान लीजिए कि एक पृथ्वी है और पृथ्वी पर ऐसे अगर एक्स अक्ष वाई अक्ष हो गया और ये एक्स अक्ष हो गया। अब बता रहे हैं एक्स अक्ष वाई अक्ष क्या होता है, ठीक है, और पता करना है यहाँ पे आपको पहुँचना है। तो अगर आप निर्देशांक ज्यामिति पढ़े हैं तो बिना बताए डायरेक्ट लोकेशन यहाँ पे आप पहुँच सकते हैं, यही है आपका निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है। अब एक्स अक्ष और वाई अक्ष क्या होता है आपको हम बता दे रहे हैं। एक्स अक्ष इस क्षैतिज यानी कि ऐसे जो लाइन रहेगा इसको बोलते हैं हम लोग एक्स, और ऊपर से नीचे तक होता है ऊर्ध्वाध यानी ऊपर से नीचे तक, इसको बोलते हैं वाई, ठीक है। क्षैतिज को बोलते हैं एक्स अक्ष, इस लाइन को क्या बोलते हैं एक्स वाला लाइन। ट्रिक बताएं आपको, ट्रिक समझिएगा, एक्स कैसे लिखा जाता है, एक दाएं तरफ और एक बाएं तरफ, तो जो दाएं और बाएं होगा इस लाइन को हम लोग एक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं एक्स, ये एक्स हो गया, इधर वाला लाइन है बाएं तरफ है तो ये भी एक्स हो गया, तो ये माइनस में एक्स होता है, या इसको एक्स डैश भी बोलते हैं। इस वाले लाइन को क्या बोलते हैं वाई अक्ष। अब वाई क्यों बोलते हैं, जब वाई लिखिएगा ना तो ही पता चल जाएगा। देखिए समझ आया, वाई ऊपर से लेके नीचे तक लिख रहे हैं, इसका मतलब ऊपर और नीचे वाले लाइन को जो ये वाला और ये वाला हिस्सा, इसको क्या बोलते हैं वो वाई बोलते हैं। ऊपर वाले को बोलते हैं प्लस वाला वाई और ये वाला हो जाता है माइनस वाला वाई। ये आपको इतना समझ में आया होगा। इस एक्स वाले लाइन का नाम क्या है, इसको एक्स निर्देशांक भी बोलते हैं। इस लाइन को हम लोग भुज बोलते हैं, याद रखिएगा भुज। इस लाइन का क्या नाम है, यही पूछता है, यही इंपॉर्टेंट है, भुज किसे कहते हैं। तो एक्स वाले लाइन को क्या बोलते हैं भुज, इसको एक्स अक्ष कहते हैं, ये बता दिए, इसको एक्स निर्देशांक भी कहते हैं, इसको कहते हैं कोटि, याद रखिएगा कोटि। ये वाला यही आपको पूछता है एग्जाम में, कोटि किसे कहते हैं, तो वाई वाले को क्या बोलते हैं कोटि। वाई निर्देशांक भी बोलते हैं, इसको वाई अक्ष भी बोलते हैं। इतना आप समझ गए होंगे, ठीक है। यानी कि एक्स वाले लाइन को हम लोग भुज बोलते हैं, एक्स अक्ष बोलते हैं, एक्स निर्देशांक बोलते हैं, वाई वाले लाइन को वाई निर्देशांक, कोटि और वाई अक्ष बोलते हैं। इतना आप जान गए हैं, कोटि याद रखिएगा, वाई तो आपको याद रहेगा, वाई वाला आएगा तो ये वाला होगा, बस वाई को कहते हैं कोटि, एक्स को कहते हैं भुज। एक्स मतलब ऐसे लिखते समय एक दाएं और एक बाएं, ये आपको समझा दिए। अब समझिएगा, ये वाला लाइन एक दो तीन ऐसे बढ़ते जाएगा, इधर माइनस में एक दो होता है, यही तो बोल, इसीलिए तो बोलना इधर माइनस वाला एक्स होता है, इधर माइनस वाला वाई होता है, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री ऐसे होता है, इधर प्लस वाला वन टू थ्री। इतना आपको समझ आया होगा कि ये वाला प्लस में होता है और ये वाला प्लस में होता है, बाकी दो माइनस में होता है। आप थोड़ा सोच के देखिए एक्स और वाई। अच्छा आप बताइए, पहले एक्स आता है फिर ना वाई आता है, तो आपको कहीं एग्जाम में दो कामा तीन लिख दे, आप पूछे आपको एक्स कौन है और वाई कौन है, तो आप डायरेक्ट पहले क्या आता है एक्स, एबीसीडी जब पढ़िएगा तो एक्स वाई फिर जेड, तो पहले एक्स आता है, तो पहला वाला होता है एक्स और दूसरा वाला होता है वाई। ये दिमाग में रखिएगा, चार कमा छः में एक्स कौन है, या फिर पूछ देगा चार कमा छः में भुज कौन है, तो भुज किसको बोलते हैं एक्स को बोलते हैं, तो चार कमा छः में भुज कौन है चार हो जाएगा। कोटि कौन है, तो ये वाई है, इसको बोलते हैं वाई, इसको बोलते हैं एक्स, तो कोटि आपका छः हो जाएगा। ये आपको ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट क्वेश्चन बाबू देखने को मिलेगा, ये दिमाग में बैठा लीजिएगा। आपसे हम बोलेंगे माइनस तीन कमा छः में कोटि कौन है, तो वाई वाले को क्या बोलते हैं कोटि बोलते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। एक और चीज बात करते हैं हम चतुर्थांश के बारे में, किसके बारे में चतुर्थांश। बताइए ये एक प्रकार का जो आकार दिख रहा है इसको कार्तीय तल भी बोलते हैं। तल किसको बोलते हैं, प्लेन है उस पर ऐसे फिगर हम बना दिए हैं, एक दूसरे को काटा है ना, तो जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया है और चार हिस्सा में टूटा है तो इसे बोलते हैं चतुर्थांश। क्या बोलते हैं चतुर्थांश, ये आपके दिमाग में सेट हो गया होगा, ठीक है। चतुर्थांश, ये पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा चतुर्थांश है, ये तीन नंबर बक्सा है और ये चार नंबर बक्सा है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए कैसे आप कहीं भी लोकेशन पर पहुंच सकते हैं बिना बताए। अगर हम बोले कि आप यहाँ पे खड़े हैं, आपका लोकेशन यहाँ पे है, आप यहाँ पे खड़े हैं, इसका नाम है पी, बताइए कि किस बिंदु पर स्थित है, तो सबसे पहले क्या होता है एक्स, फिर क्या होता है वाई होता है। तो यहाँ से नीचे देखिएगा तो एक्स वाला लाइन मिलेगा, नीचे एक्स वाला लाइन, और इधर देखिएगा तो वाई वाला लाइन मिलेगा। यानी आप तीन एक्स
और y यहाँ पे 2 हो जाएगा, 3,2 पे खड़े हैं। कहाँ पे खड़े हैं, यानी कि 3 कदम यहाँ पे अगर खड़े हैं तो 3 कदम इधर जाना पड़ेगा क्योंकि x का मान है, और 2 कदम ऊपर चलना पड़ेगा, तो 1 यहाँ पे हो गया कदम और 2 कदम आप लोकेशन पर पहुँच जाएंगे। 3 कदम x और 2 कदम ऊपर, तो कहाँ पहुँच जाएंगे, यहाँ पे पहुँच जाएंगे। कैसे ये बना है, तो आपको यही क्वेश्चन तो समझना है, इधर x होता है, ऊपर क्या होता है y, आप यहाँ पे हैं तो डायरेक्ट पहले x को देखिएगा, नीचे देखिएगा तो x लाइन दिखेगा, बाएं देखिएगा तो y लाइन दिखेगा। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 3,2 किस बॉक्स में है, 1 नंबर बॉक्स में है कि 2 नंबर बॉक्स में है कि 3 की 4, तो 3 नंबर 3,2 ये 3 हो गया और ये वाला 2 ये 1 नंबर बॉक्स में है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा -2,6 किस बॉक्स में है, यानी किस चतुर्थांश में है, x का मान माइनस में, तो ये तो x है दोनों, तो माइनस में x का मान 2, यहाँ छोटा अंक लिख दीजिए क्योंकि छोटा तक है। ठीक है, अब देखिए x का मान माइनस में इधर आ गया, अब y का मान क्या है, y का मान 3 है और अभी प्लस में है, तो ऊपर वाला प्लस हो जाएगा, यानी कि माइनस में 2 और यहाँ 2 और ये हो जाएगा आपका 3। मिला जुला के आप किस बॉक्स में मिल रहे हैं, तो 1,2 नंबर बॉक्स में मिल रहा है, यानी कि इसका चतुर्थांश क्या होगा, द्वितीय होगा, क्या होगा, द्वितीय होगा। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। एक और बात इसमें आपको समझना है, डीपली समझते चलिएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं है। यहाँ क्वेश्चन एक है, थोड़ा सा क्वेश्चन की तरफ देखिएगा, अगर आप इस लाइन पर खड़े हैं, किस लाइन पर, y अक्ष पर खड़े हैं, थोड़ा देर के लिए समझिएगा, अब y अक्ष से आप कहीं दूर जा रहे हैं, y अक्ष से दूर जा रहे हैं, तो किधर जाइएगा, या तो इधर जाइएगा इस लाइन पर से, या तो इधर, नहीं तो इधर, तो आप बताइए, इधर जाइए चाहे इधर जाइए, इधर जाइए चाहे इधर जाइए, आप तो बनेगा एक से ना, क्योंकि इधर जाइएगा तो वो एक से वाला दूरी है, इधर जाइएगा तो एक से वाला दूरी है। तो जब भी आपसे बोले कि किसी बिंदु के एक्स अक्ष से x अक्ष पर आप खड़े हैं, अगर ऐसे अगर क्वेश्चन कर दें, ठीक है, और वहां से कहीं भी जा रहे हैं तो किस दिशा में जाते हैं, तो y दिशा में, यहां पे खड़े हैं, इधर जाएगा तब वही y, ऊपर y होता है, नीचे आएगा तब वो y होता है, तो किसी बिंदु से x अक्ष से दूरी, उस बिंदु का क्या कहलाता है, y कहलाता है। x अक्ष से कहीं भी जाइएगा तो y, अब y यहां पे तो नहीं दिया है, तो y को क्या बोलते हैं, y को कोटि भी बोलते हैं, तो इसका ऑप्शन आपका बी सही है। वैसे ही यहां पे किसी बिंदु की y अक्ष से आप किस पर खड़े हैं, y अक्ष से दूर जा रहे हैं, y अक्ष से दूरी पूछ रहा है, तो y अक्ष से जब इधर जाइएगा चाहे इधर जाइएगा, तो किधर बढ़ रहे हैं, x के तरफ, क्योंकि दाएं बाएं क्या होता है, x, ऊपर नीचे क्या होता है, अगर ऊपर जा रहे हैं चाहे नीचे आ रहे हैं तो y, तो x अक्ष पर हैं, आप किस पर हैं, y अक्ष पर हैं, अब y अक्ष से आप जा रहे हैं कहीं, तो या तो इधर नहीं तो इधर, तो x अक्ष की तरफ बढ़ेंगे, तो उसे बोलते हैं हम लोग क्या, x अक्ष कहीं दिया है, ये वाला हो जाएगा, ये नहीं होगा क्योंकि ये y निर्देशांक है, ये भी नहीं होगा, कोटि y को ही कहते हैं, y अक्ष y को ही कहते हैं, तो आपका ऑप्शन कौन सा ही हो जाएगा, ये वाला सही बी हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन समझिएगा, बिंदु 1,5 किस चतुर्थांश में स्थित है, 1,5 पहला वाला वैल्यू x का, तो x का वैल्यू ये है और y का वैल्यू ये है, तो ये हो गया 1, अब 5 हो गया ऊपर, तो ये किस बक्सा में आएगा, इस बक्सा में, इधर और इधर फर्स्ट वाले में आएगा, यानी ये प्रथम इसका ऑप्शन सही होगा। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको देखिए, क्योंकि ये बार बार एग्जाम में 2 या 3 नंबर में आपको पूछता है। अब हम लोग एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे, लेकिन उससे पहले जो भी उस एक्सरसाइज में फॉर्मूला है उसका ट्रिक जानते हैं, आपको याद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि देखिए आपको 3 लेसन याद रख लीजिए, 3 लेसन और 7 लेसन से सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है। 3 और 5 लेसन पढ़ लिए, ऑब्जेक्टिव बहुत सारा आपको 20 या 25 नंबर समझ लीजिए, या 15-20 लेके चलते हैं, 15 या 20 नंबर यहीं से क्लियर आपका हो जाएगा 3 और 7 लेसन से। ठीक है, और रही बात 40 नंबर और आप ला सकते हैं कहाँ पे, जब आप 8 और 9 लेसन पढ़े हैं पढ़ेंगे, उसमें फॉर्मूला याद करेंगे, और फॉर्मूला का ट्रिक तो आपके पास है ही, प्लेलिस्ट खोल करके देखिए, त्रिकोणमिति का अगुवाई आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग बिना देर किए चलते हैं अब हम लोग फॉर्मूला की तरफ। निर्देशांक ज्यामिति में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन दूरी फार्मूला से रहता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आखिरकार दूरी फार्मूला है क्या, मान लीजिए कि ऐसे एगो लाइन खींच दिया है, इस लाइन का कुछ नाम दे दिया, निर्देशांक पढ़ रहे हो तो कभी भी इसका वैल्यू 2 देगा, एगो x एगो 2,3 इस बिंदु का नाम हो गया, और इस बिंदु का नाम हो गया 3,4,
समझिएगा, अब बोलेगा इस बिंदु से इस बिंदु के बीच की दूरी यहां से यहां कितना होगा, डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन करेगा, यहां से यहां क्या होगा, तो बताइए इसके बीच की दूरी पूछा है ना कि यहां से अब जाएगा तो कितना दूर पड़ेगा, तो उसके लिए दूरी का फॉर्मूला लगाते हैं, किसका लगाते हैं, दूरी का फॉर्मूला लगाते हैं। अब ये दूरी फॉर्मूला होता क्या है, तो ये होता है अंडर रूट, ये कहां से आता है ये भी बताएंगे, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, यही दूरी फॉर्मूला है। आप बताइए पहला वाला को क्या बोलते हैं x, दूसरा वाला को क्या बोलते हैं y, इसमें भी दुग है तो पहला वाला को x और दूसरा वाले को क्या बोलेंगे y बोलेंगे। आप इधर से देखिए भाई, पूरा इधर से दुगो हिस्सा दिया है, पहला हिस्सा ये दूसरा हिस्सा ये, तो पहला हिस्सा ये है एक नंबर वाला हिस्सा है, आई कौन नंबर वाला हिस्सा है, दो नंबर वाला हिस्सा है, इसीलिए एक नंबर वाला हिस्सा को एक नंबर वाला है, आई कितना नंबर वाला है दो नंबर, तो इसको दो लिखते हैं। आपको समझ आया, ये एक नंबर वाला हिस्सा, ऐसे ही अगर एक और दिया रहता निर्देशांक ऐसे तो एक नंबर हिस्सा ये दो नंबर ये तो तीन नंबर, तो वहाँ एक्स थ्री वाई थ्री लिखते हैं। इससे क्या पता चल रहा है कि ये एक नंबर पे आ रहा है एक्स वन वाई वन, इससे क्या पता चल रहा है ये भी तो वाई है, आपसे बोल देते अगर वाई बराबर क्या तो आप कहिएगा चार नहीं तो तीन, लेकिन अब बोले वाई वन बराबर तो सिर्फ बोलिएगा तीन होता है। तो आपको समझ में आया, एक नंबर वाला में डाल दिए ये दो नंबर वाला में। अब देखिए बीच की दूरी निकालना है ना, फॉर्मूला होता है एक्स टू में से एक्स वन को घटा दीजिए, टू तो दो नंबर वाला ये है एक इधर दो इधर, तो एक्स टू आपका हो गया तीन माइनस एक्स वन वन वाला ये का होल स्क्वायर प्लस वाई टू टू वाला ये है चार माइनस वाई वन तीन होल स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा कितना, इधर तीन में से एक जाएगा तो हो जाएगा दो का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ तीन है और यहाँ आपका यहाँ देखिए एक्स टू बोला है ना, तो टू वाले में जाएगा ये दो नंबर का ये एक नंबर है, तो दो नंबर में दिया एक्स टू थ्री माइनस एक्स वन आपका दो का होल स्क्वायर प्लस वाई वन वाई टू कितना है, वाई टू है आपका फोर माइनस वाई वन है थ्री का होल स्क्वायर, ये हो जाए तीन में से दो जाएगा आपका बचेगा एक का स्क्वायर, ये भी हो जाएगा एक का स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक ही होता है एक और एक रूट टू, यानी कि दूरी आपका कितना आ गया रूट में टू, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितना है रूट टू है। आपको इस समझ में आया होगा, आप फॉर्मूला याद रखिएगा, इक्कीस इक्कीस कैसे एक्स टू एक्स डाल दीजिएगा ऐसे एक्स, फिर यहाँ डाल दीजिएगा वाई और वाई, इक्कीस दो एक रूट डाल के स्क्वायर वाला है और प्लस में ये ऐसे, आप ऐसे याद रखेंगे ठीक है, और नहीं तो ये कहाँ से आया इसका हम एक्सप्लेनेशन कर देंगे। हम लोग पहले एक एक क्वेश्चन और टॉपिक समझ जाते हैं क्या कर रहा है, ये आपको बीच की दूरी समझ में आया। अब ये देखिए किसी भी दो बिंदु के बीच की दूरी आप निकाल सकते हैं, ये निर्देशांक आता कहाँ से है समझिएगा, ऐसे हो गया ये एक दो तीन चार पाँच, ये एक दो तीन चार पाँच ऐसे हो गया। अब क्वेश्चन कह देगा देखिए क्या, एक मान लीजिए कि यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है ठीक, और एक कोई यहाँ पे आदमी खड़ा है, अब बोलेगा इसका नाम P है इसका नाम Q है, अब कहेगा P और Q के बीच की दूरी निकालें, अब मामला फंस गया कि इसके बीच की दूरी यहाँ से यहाँ कितना दूर है निकालना है, तो पहले इस पॉइंट का क्या नाम होगा, नाम कैसे रखिएगा, नीचे देखिएगा तो पहले एक्स के तरफ देखिएगा तो नीचे क्या है दो है तो एक्स का मान दो, इधर देखिएगा तो वाई मिलेगा वाई का मान एक, इसका नाम मिल गया, इसका नीचे देखिएगा तो क्या है फाइव, फिर इधर देखिएगा तो क्या है थ्री, इसका नाम हो गया फाइव कमा थ्री। अब आपको निकल जाएगा बीच की दूरी निकालने के लिए क्या करते हैं, अंडर रूट ये वाला के कौन सा हिस्सा, ये एक नंबर पे आ रहा है ये वाला दो नंबर पे, तो फॉर्मूला में होता है एक्स टू एक्स वन और वाई टू वाई वन, तो जैसे ही यहाँ आपको बोलेगा टू तो दो नंबर में जाइएगा, क्या है एक्स का मान ये एक्स ना है पहला वाला एक्स होता है तो स्क्वायर डाल दीजिएगा एक्स टू पाँच हो जाएगा और माइनस एक्स वन वन वाला में पहला वाला इसका होल स्क्वायर प्लस वाई टू हो जाएगा थ्री माइनस वाई वन हो जाएगा वन का होल स्क्वायर, अब ये पाँच में से दो जाएगा तो तीन का स्क्वायर प्लस तीन में से एक जाएगा तीन में से एक जाएगा तो दो का स्क्वायर, ये तीन का स्क्वायर हो जाएगा नौ प्लस दो दून चार नौ अचार कितना होता है तेरह, यानी यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी क्या हो जाएगा रूट अंडर तेरह हो जाएगा। तो बीच की दूरी आप समझ चुके होंगे। अब देखिए फिर अब ये आपका फॉर्मूला दिमाग में बैठा लीजिए, बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर और वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, बैठा लीजिए मूल बिंदु का फॉर्मूला होता है
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ई काहे होता है भाई ये फॉर्मूला, ये दोनों चीज एक ही समझ लिए थोड़े देर। कहेगा मूल बिंदु, तो मूल बिंदु होता है 0, 0, समझिएगा। कहेगा मूल बिंदु से दूरी निकालिए, तो यही फॉर्मूला, वैसे ओरिजिनल फॉर्मूला ये है समझिएगा, लेकिन इसी से ये बन गया है। कैसे, आप देखिए यहां से बोलेगा मूल बिंदु से दूरी, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति यहां पे खड़ा है और एक व्यक्ति मान लो कि यहां पे खड़ा हो गया यहां पे, अब बोलेगा कि मूल बिंदु यानी बीच से दूरी निकालिए, इसका इसका नाम मान लो कुछ रख दो ए, इसका नाम रख दो बी, ए से बी के बीच की दूरी निकालना है, समझिएगा। तो आप सोच के थोड़ा सा देखिए कि यहां से यहां निकालिएगा, इसका नाम क्या है, इसका नाम हो जाएगा आपका x का मान नीचे आइएगा तो 2 और y का मान हो जाएगा 3। इसका नाम क्या है, यहाँ xo के मान 0, yo के मान 0, तो ये जाएगा x और ये हो जाएगा आपका y। जब आप फॉर्मूला भरिएगा बीच की दूरी का यहाँ से, तो यही भरना पड़ेगा। 0 भर के क्या कीजिएगा, चलिए कुछ देर के लिए मान लीजिए कि हम इसको x और y मानते हैं, ठीक है। तो ये एक नंबर वाला हो गया, आई हो गया आपका दो नंबर वाला, ठीक। तो एक्स टू में से एक्स वन घटाइएगा, x2 में से x1 उस स्क्वायर प्लस y2 में से क्या घटाइएगा y1, जब ये फॉर्मूला लगा के ये वाला घटाइएगा तो हो क्या जाएगा, x2 कितना है x माइनस x1 कितना है 0 प्लस y2, 2 वाला ये है ना, y2 है y, और y1 कितना है 0 है। तो अब बताइए कि x में से 0 क्या घटाइएगा, डायरेक्ट हो जाता है x स्क्वायर, आई डायरेक्ट क्या हो जाता है y स्क्वायर। तो इस तरह से ये फॉर्मूला बन जाता है, यही बच जाता है आपका, ठीक है। इसीलिए डायरेक्ट अगर मूल बिंदु से बोले तो कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला भरना है। अब यहाँ पे क्या था, 3, 2, आपसे बोलेगा क्वेश्चन में कैसे कि मूल बिंदु से 3, 2 के क्या निकालिए, बीच की दूरी निकालिए, मतलब कि यहाँ 2, 3 था, 2, 3 मूल बिंदु से 2, 3 के बीच की दूरी, तो डायरेक्ट मूल बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कितना है 2 और प्लस 3। ये हो जाएगा 2×2=4 प्लस 3×3=9, 9 और 4 कितना हो गया 13, इसके बीच की दूरी कितना हो गया √13, मूल बिंदु से दूरी यही होगा। कुछ भी पूछे, -5, 3 का मूल बिंदु से दूरी निकालिए, तो डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला, मूल बिंदु का बात करेगा ये फॉर्मूला एक ही को देगा, ये कभी भी 2 निर्देशांक नहीं देता है, एक ही ठो निर्देशांक देगा, ये नहीं देगा कि 0, 0 और 2, 3 के बीच की दूरी निकली, ऐसा बाबू क्वेश्चन नहीं देता है, ठीक है। डायरेक्ट ऐसे बोलेगा गया कि इसका क्या निकालिए, मूल बिंदु से दूरी निकालिए, तो डायरेक्ट यहाँ पे भरिएगा 5, यहाँ भरिएगा 3 और सॉल्व करके निकाल लीजिएगा, यही इसका होता है फॉर्मूला, ये भी आप समझ गए होंगे। अब यहाँ देखिए, अब हम लोग देखते हैं तीसरा फॉर्मूला, पहला समझ गए, दूसरा मध्य बिंदु, कौन सा बिंदु, मध्य, एक लाइन है, इस लाइन का नाम है बाबू ए, और यहाँ पे नाम इसका रखते हैं बी, इसका कुछ वैल्यू है 2, 3 रख देते हैं और यहाँ पे रख देते हैं 3, 4। अब बोलेगा ए और बीच के मध्य माने होता है बीच वाला का निर्देशांक क्या होगा, ऐसे ही एक और निकालना है, यानी बीच वाला पॉइंट निकालना है। तो उपाय क्या है, जब ये बीच में हम करेंगे, ये कितना हिस्सा में टूट रहा है, दो हिस्सा में टूट रहा है, एक ये हिस्सा और एक ये हिस्सा, तो इसका फॉर्मूला होता है मध्य बिंदु यानी कि बीच वाला निकालने के लिए, ये वाला अगर निकालना हो, इसका नाम कुछ रख दो क्यू रख दो, मध्य बिंदु यानी क्यू निकालना हो, तो इसका पहला वाला इसके पहले वाले के साथ जोड़ते हैं, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, यानी कि इसका फॉर्मूला होता है एक्स वन प्लस एक्स टू बटा 2 और वाई वन प्लस वाई टू बटा 2, ये याद रखेंगे। अब बताइए इसका वन वाला, ये एक नंबर पे है, ये कितना नंबर पे है, 2 नंबर, 1, 2, वाई वन एक्स वन कितना है 2 और प्लस एक्स टू कितना है आपका 2 वाला 3 बटा में 2 कमा वाई वन हो गया आपका 3 और वाई टू हो गया 4 बटा में 2, 3 और 2 5/2 और 4 और 3 7/2, यही आपका निर्देशांक हो गया Q का 5/2 और 7/2 हो गया इसका मूल बिंदु। अब देखिए अगर इसको तीन हिस्सा में वो बताएंगे आगे क्या होगा, जब दो हिस्सा में टूटा है तो नीचे 2 रहेगा और 2 को ही जोड़ेंगे, अगर ये तीन हिस्सा में टूटा रहेगा वो त्रिभुज में पड़ना है तो यहाँ x1 x2 x3 जोड़ेंगे और यहाँ पे बटा में 3 डालेंगे, तो जितना हिस्सा टूटता है वहाँ उतना नीचे लिखते हैं। क्या किए हम, अगर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कह दें, यहाँ फॉर्मूला लिख देते हैं x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई
टू। अगर डायरेक्ट बोले कि यहाँ पे आपको क्या निकालना है, 3.6 और यहाँ पे आपका हो जाएगा 3.8 का बीच का मध्य बिंदु या ये वाला निकालिए, तो इसका पहला वाले के साथ जोड़ दीजिएगा, 3 + x1 x2 यही है, 3 + 3/2, 6 + 8/2। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला में क्या होता है, x1 x2 जोड़ के बटा 2, y1 y2 जोड़ के बटा 2, 3 × 3 = 6/2, 6 × 8 = 14/2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 7, 3.7। इस बार मध्य बिंदु कहाँ आया, 3.7। तो उम्मीद करते हैं कि आप मध्य बिंदु भी समझ गए होंगे, एकदम इसी से क्वेश्चन रहता है। इस विभाजन सूत्र पर एक क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, समझिएगा, कह रहा है यहाँ पे कि दो ठो बिंदु है, विभाजन माने क्या होता है, बंटवारा, विभाजन माने क्या होता है, बंटवारा। तो कह रहा है कि यहाँ दो ठो बिंदु है, यहाँ जो बिंदु दिया गया एक का नाम है -1.7 और एक का, इसको मिलाने वाली, मान लो कि यहाँ से ये कहीं से गया यहाँ पे आकर एक दूसरे को मिल गया, मान लो कि यहाँ पे आके मिल गया, तो मिल गया तो यहाँ देखिए तो इधर बड़ा हिस्सा दिख रहा है, लाइन वही है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, लेकिन अगर जहाँ मिल रहा है, मान लो कि यहाँ पे आके और यहाँ से आके दोनों ट्रेन एक जगह टकराई, यहाँ जहाँ मिली, ठीक है, तो वहाँ पे एक हिस्सा ये हो गया, एक हिस्सा ये, तो ये रेखाखंड 2:3 में विभाजित होता है, माने ये वाला कितना हिस्सा होना चाहिए, 3 हिस्सा, इधर वाला 2 हिस्सा, और यही 2:3 को हम लोग M1 और M2 बोलते हैं, पहला वाला को M1, दूसरा वाला को M2। दूसरा क्वेश्चन ऐसे भी कर सकता है, अगर दो लाइन है, एक ठो लाइन है और ये जो एक ठो यहाँ पे लाइन है, तो एक बिंदु ये हो गया 2.3, मान लो कुछ देर के लिए यहाँ 3.6, ऐसे क्वेश्चन अगर हो जाए, आप बोले कि आके जहाँ मिल रहा है तो एकदम बीच में मिल रहा है, इधर से गया तो यहाँ पे, इधर से गया तो यहाँ पे, तो आप खुद बताइए इधर एक हिस्सा है कि नहीं, एक हिस्सा इधर, अगर कह रहा है कि ये आ करके जहाँ मिल रही है उसको बराबर भाग में, इधर भी जितना है उतना ये रहेगा, तो इसको एक मानेंगे तो इसको भी क्या मानना पड़ेगा, एक, अगर इसको मानेंगे दो हिस्सा है तो इसको भी क्या मानना पड़ेगा, दो, यानी अगर बराबर है तो कोई भी चीज़ यहाँ बराबर मांगे, इसी को कहते हैं M1 और M2। X1 X2 आप जानते हैं, इस क्वेश्चन में वही कहा गया है, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, उस बिंदु का कौन सा बिंदु, कोई बिंदु आ करके कहीं एक जगह मिला है और जहां मिला है इस बिंदु का बात कर रहा है, जिसका निर्देशांक -1.7 और 4-3 है, ठीक है, ये जो मिला है वह किस अनुपात में बटा है, विभाजित है 2:3, यानी कि M1 कितना हो जाएगा, 2 अनुपात वाले को M1 M2 कहते हैं, और M2 कितना हो जाएगा, 3। अब फॉर्मूला आपके पास है ही, ये वाला कौन सा हिस्सा है, 1 वाला, ये वाला कितना है, 2 वाला हिस्सा है, तो इसमें हमेशा 1 आएगा, M1 कितना है, तो 2 × x2 वाला ये है ना, 2 लिखे हैं, 4 हो जाएगा, अब प्लस M2 कितना है, 3 × उसके बाद से क्या है, x1 आपका -1, और नीचे क्या फॉर्मूला, M1 + M2 यानी 2 + 3 हो जाएगा, कमा है तो कमा, हमको क्या निकालना है, ये वाला पॉइंट निकालना है, जिस अनुपात में जहाँ पे कटेगा इसका निर्देशांक क्या होगा। अब उसके बाद से यहाँ है M1 कितना है, तो 2 × y2 - 3, अब प्लस M2 है आपका 3 × y1 7, अब बटा में 2 + 3, ये M1 M2 का मान यहाँ से भर दे, ये जो आपका दिया है 4 × 2 = 8 हो जाएगा, ±-3 × 3/5, और ये हो जाएगा -6 × 7 = 5, जब इसको घटाइएगा तो यहाँ पे 8 में से 3 जाएगा 5/5, और ये 21 हो जाएगा, और 21 में से अगर 6 घटाए तो ये हो जाएगा आपका 15, अब बट्टा में 5 × 5 = 15, 5 × 5 यानी कि 1.3। आप खुद देखिए कि ये वाला हम क्या निकले, विभाजन सूत्र है, कहाँ से टूटा है, ये लाइन बेचारा यहाँ से यहाँ तक था और यहाँ पे जा करके एक ब्रेकर आ गया, रुकावट आ गया ना, तो जहाँ से टूटता है ना, जहाँ जुड़ाव रहता है वही बिंदु को कहते हैं विभाजन, यानी यही से ना टूटा है, तो कितना है, 1.3 है, ये वाला पॉइंट हो जाएगा 1.3। कभी कभी क्या करता है कि ये वाला नहीं देगा, हटा देगा, अब कहेगा दो बिंदु जहाँ मिल रहा है ना वो दे दिया है 1.3 दे दिया है, तो कितना हिस्सा में है, यहाँ 2 यहाँ 3 आंसर आ जाएगा, कब ले जाके इसमें भर दीजिएगा, विभाजन के जगह पे 1.3 यही ना है विभाजन, ठीक है, सब भरिएगा तो M1 M2 का वैल्यू निकल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा फॉर्मूला, ये ट्रिक भी समझ में आया होगा कैसे लिखते हैं हम, यहाँ समझिएगा केंद्रक कैसे निकलता है, केंद्रक का मतलब किसी भी फिगर के बीच वाला हिस्सा, पॉइंट कैसे निकलता है, यानी केंद्रक ये वाला कैसे निकलता है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा, मिस कीजिएगा, एग्जाम में नंबर गंवा दीजिएगा। बाबू यहाँ देखिए केंद्रक, आप बताइए कि जब एक दो गो लाइन था और इस लाइन पर x1 मान लो कि यहाँ 2.3
4.6 हो। हम बोले इस लाइन का केंद्रक माने बीच वाला सेंटर निकालिए, एकदम बीच वाले का बात कर रहे हैं। तो आप कहते हैं कि सर ये दोनों पॉइंट जो है ना, यहाँ पे दो गो आदमी खड़ा है, एकरा बीच में है यानी मध्य में है, तो हम मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे हम बाबू? मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाएंगे। आप देखिए ये भी तो इस फिगर के बीच में है, तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला x1 x2 है। क्यों है? क्योंकि इसमें दो गो पॉइंट था, ठीक है, तो दो गो पॉइंट था इसीलिए x1 x2। लेकिन यहाँ 3 पॉइंट दिया है, ठीक है, तो सेम फॉर्मूला लगेगा केंद्रक का, एकदम सेम फॉर्मूला। लेकिन 3 गो पॉइंट है ना, तो x1 भी रहेगा x2 भी रहेगा, ठीक, और यहाँ y1 रहेगा y2 रहेगा। लेकिन आप बताइए कि ये 2 बिंदु था साइड में, इसीलिए हम क्या कर रहे थे? x1 x2 लिख रहे थे। लेकिन यहाँ कितना है? 3 है, तो x1 x2 x3 लिखेंगे, ठीक, y1 y2 y3 लिखेंगे। ये तीनों रहेगा यहाँ x1 x2 और 2 गो है तो बटा 2, y1 y2 2 गो है, तो यहाँ कितना है? 3 है, तो बटा में 3 हो जाएगा, ठीक है। यही आपका केंद्रक का फॉर्मूला है। आपको केंद्र निकालना है बीच वाला, तो x1 कितना है? -1 और प्लस x2 है 5 और प्लस ये हो जाएगा कितना? -4 बटा में 3। ये हो जाएगा आपका y1 4 और प्लस 2 y2 और y3 -15, ठीक है, अब बटा में कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका -1 प्लस 5 -4 प्लस -, अब बट्टा में 3, और ये हो जाएगा आपका 4 और 2 6, अब प्लस -15 अब बट्टा में 3। ये जब जोड़िएगा तो माइनस में 4 गो, माइनस में 1 गो, माइनस में 5 गो, सिंबल सेम रहता है तो जोड़ते हैं। अब -5 में से 5 जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0, अब बट्टा में हो गया 3। ये हो जाएगा आपका 15 में से 6 जाएगा तो माइनस में 9, अब बट्टा में 3, 3 3 9 यानी कि यहाँ भाग दीजिएगा तो हो जाएगा 0.3। यानी कि आपका केंद्रक क्या है सब? हम क्या निकाले हैं? केंद्रक निकाले हैं बाबू, केंद्रक, ये केंद्रक। तो केंद्रक आपका कितना आ गया? माइनस है, तो माइनस हो जाएगा आपका 0.-3 आ गया केंद्रक। ऐसे निकालेंगे। दूसरा क्वेश्चन इसी टाइप का क्या पूछता है, ये सब कुछ दे देगा। देखिएगा ध्यान से समझिएगा बाबू इसको, तीनों दिया था इसीलिए हम 3 बार करके 3 बटा में 3 बार यहाँ करके y1 y2 y3 बटा में 3 फॉर्मूला इसका जो भी है वैल्यू y ये हो जाएगा 1 एक नंबर है, ये वाला 2 नंबर है, ये वाला 3 नंबर है। तो x1 1 में से उठाएं, x2 2 नंबर वाले में से 2 उठाएं, x3 3 नंबर वाले में से उठाएं, भर दिया आंसर आ गया। एक क्वेश्चन क्या कहता है, सेम ऐसे ही क्वेश्चन रहेगा एकदम, ठीक, कहेगा एक मिटा देगा ये लास्ट वाला, मान लीजिए कि हम लास्ट वाला मिटा दिए, ठीक, जब लास्ट वाला मिटा दिए कहेगा क्या कि एक त्रिभुज में ए दिया है, बी दिया है, सी निकाले, लेकिन इसका केंद्रक दिया है, ई वाला दे दिया है, तो केंद्रक के साइड में क्या भरेगा? केंद्रक 0.-3, ठीक है। x1 आपको पता है माइनस में 1, प्लस x2 भी पता है 5, क्या x3 पता है? ये तो बोला है सी का दोनों निकाले, तो नहीं पता है तो इसको कुछ मान लीजिए, इसको मानते हैं x, इसको मान लेते हैं y, कुछ भी मान लीजिए, x3 नहीं पता है तो लिख दीजिए x3 अब बटा में 3 कमा y1 कितना है 4 प्लस y2 कितना है 2 और y3 आपको पता नहीं 3 नंबर में, तो प्लस में y अब बटा में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ अब तरीका क्या है, 0.-3 है और यहाँ पे इतना कमा इतना है, तो पहला वाला को पहला वाला के बराबर कर देनी, 0 बराबर इसका फर्स्ट वाला इसके फर्स्ट वाले के बराबर कीजिए, -1 प्लस 5 प्लस x3 अब बटा में 3, पहला वाला को पहला वाला के बराबर कीजिएगा तो यहाँ क्या होगा 3 है, x3 को x3 लिख दिए हैं बस। अब यहाँ 5 में से 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, पहले तो ये तिरछा तिरछी गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, उसके बाद ये हो जाएगा 4 प्लस x3, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो x3 बराबर -4 यानी कि ये वहाँ हो जाएगा आपका कितना -4। अब y निकालना है तो y वाला को y वाला के बराबर कर दिए सिंपल, यहाँ -3 बराबर 4 और 2 कितना होता है 6 प्लस y अब बटा में 3, 3 3 का कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 6 प्लस y प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो गया, और जब ये y का वैल्यू निकालिएगा तो y बराबर हो जाएगा कितना 6 और 9 15 माइनस में, ये कितना हो गया आपका बाबू, ये आपका हो गया -15, ठीक है। तो ये -4 -15, तो ये 2 तरीका से पूछता है, कभी ये छोड़ेगा तो ये दे देगा, ये छोड़ेगा तो ये, तो ये आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग त्रिभुज का ट्रिक जानते हैं कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला उतना लंबा चौड़ा कैसे याद करें। यहाँ देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल
यानी कि अगर ये त्रिभुज ऐसे बनाया गया है तो पूरा का क्षेत्रफल कितना दूर जगह छेका है उसी को ना क्षेत्रफल कहते हैं। अरे तुम नहीं सुने हो कि लोग कहता है कि आ जाना मेरे एरिया में, इसका मतलब क्या होगा? उसका कुछ एरिया होगा, दायरा होगा, उसमें आइएगा तो मार झगड़ा होगा। तो ये त्रिभुज का एरिया कितना दूर में है, ये पूरा है, इसके अंदर आप नहीं जा सकते, यानी इसका एरिया कितना दूर में यही पता करना है, इसको त्रिभुज का क्षेत्रफल कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है एक्स टू एक बटा टू एक्स वन इंटू वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स टू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस एक्स थ्री वाई वन माइनस वाई टू। ठीक है, ये इतना लंबा चौड़ा आपका फॉर्मूला दिया है, इसको याद कैसे रखेंगे? तो याद करने का एक ट्रिक समझिएगा, पहले लिख दीजिएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल एक बट्टा टू आधार गुणे शीर्षलंब होता है एक बट्टा टू, यहाँ टू है ना, कहीं पे कोना में लिखिएगा वाई वन वाई टू वाई थ्री, लाइन से लिख दीजिएगा। और यहाँ टू है ना तो टू से ही चलिएगा, टू से थ्री, एक बार टू से थ्री तो यहाँ हो जाएगा एक्स वन लिख के टू से थ्री, चल दिए कि नहीं? अब थ्री के बाद से दोबारा नहीं लेना है कोई भी, थ्री के बाद से डायरेक्ट वन लीजिए, क्योंकि थ्री के बाद से अगर आप टू लेते आगे बढ़ना है, ठीक है, ऐसे घूमना है, ठीक है। तो टू के बाद थ्री, थ्री के बाद टू नहीं लिया क्योंकि टू थ्री साथ में है, ठीक है। थ्री के बाद क्या लीजिएगा? वन लीजिएगा, तो एक्स टू हो जाएगा प्लस में ये हो जाएगा एक्स थ्री के बाद एक्स टू, यहाँ पहले टू क्यों लीजिएगा, यहाँ टू है तो यहाँ टू होना चाहिए, ठीक। उसके बाद देखिए प्लस एक्स थ्री, उसके बाद क्या लिखिएगा, थ्री के बाद से कौन साथ में नहीं है, वन, तो हो जाएगा एक्स, देखिए यहाँ लीजिए वाई वन माइनस वाई टू, आपको ये समझ में आया होगा। देखिए तो ये एक हॉट का फिगर बन गया, क्या हम किए हैं, टू यहाँ था तो टू से लिए टू माइनस थ्री, थ्री माइनस वन और वन माइनस टू, तो ये आपको समझ में आया होगा। यहाँ एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री डाल दीजिएगा, ये एक्स वन ऐसे रहेगा। इस पर भी क्वेश्चन आता है, यहाँ हम लोग क्वेश्चन देखते हैं संरेखी और समदूरस्थ का, आखिर ये संरेखी क्या होता है और समदूरस्थ क्या होता है, ठीक है। इससे आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मिलता है, एक क्वेश्चन देगा पूछेगा क्या यह संरेखी है क्या यह समदूरस्थ है, माथा चक्कर करने लगता है कि आखिरकार ये क्या बोल रहा है समदूरस्थ, क्या बोल रहा है संरेखी। देखिए संरेखी का मतलब क्या होता है, संरेखी या सम प्लस रेखा या रेखी, ठीक है। सम मतलब होता है बराबर, रेखा मतलब रेखा, यानी कि एक अगर लाइन है, और संरेखी का मतलब है एक ही रेखा पर, ठीक है। यानी अगर ए है, एक पॉइंट यहाँ पे जिसका नाम बी है और एक पॉइंट जिसका नाम सी है, तो अगर ए बी सी ये तीन पॉइंट अगर एक ही रेखा पर है तो उसे कहेंगे संरेखी है। दिमाग में सेट हुआ हम क्या बोल रहे हैं, यानी अगर कोई भी रेखा पर अगर बिंदु यहाँ पे इसी एक ही रेखा पर कितना भी बिंदु हो सकता है, एक रेखा पर मान लीजिए कि यहाँ एक बिंदु है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, ठीक है, अलग अलग जगह है, तो ए बी सी डी ई अगर ऐसे क्वेश्चन है, यानी एक ही रेखा पर कई बिंदु है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, ये लाइन संरेखी है, यानी एक ही रेखा पर कई गो बिंदु है, ठीक है, जिसे हम लोग कोलिनियर बोलेंगे। लेकिन अगर यही एक यहाँ बिंदु हो जाए और एक यहाँ डाल दे, ठीक है, अब बोले कि ए बी सी डी ई क्या यह संरेखी है, तो ये संरेखी नहीं होगा, क्योंकि एक ही लाइन पर बी कहाँ है, बी तो लाइन से हट के है ना, तो इसे बोलते हैं संरेखी। आपके एग्जाम में अब क्वेश्चन संरेखी पर कैसे देता है, कहेगा दो कमा तीन, चार कमा पाँच और छः कमा सात, कुछ ऐसे ही दे देगा, कुछ भी दे सकता है। अब पूछे क्या यह संरेखी है तीनों बिंदु, इस बिंदु का नाम है दो कमा तीन, इस बिंदु का नाम चार कमा पाँच और इसका नाम छः कमा तीन। अब बोलेगा संरेखी है, तो संरेखी पता करने का उपाय, ए से बी और बी से सी, ये दो लाइन अगर यहाँ से यहाँ और ये मिला है, ए से क्या मिला है, ए बी मिला है, अब प्लस बी सी मिला है, तो क्या हो गया है, ए सी बना है, ए सी, यही संरेखी का रूल है। यानी कि ए बी की दूरी और बी सी की दूरी दोनों निकाल के जोड़ दो, दोनों निकाल के क्या करो, जोड़ दो, और फिर ए सी की दूरी निकालो, अगर ये दूरी निकल गया और ये दोनों बराबर आ गया तो समझ जाना संरेखी है, अगर बराबर नहीं आए तो समझ जाना संरेखी नहीं है। यानी यहाँ ए बी की दूरी निकाल लीजिए और प्लस बी सी की दूरी निकालिए, दूरी फार्मूला आपको हम बता चुके हैं, उस पर क्वेश्चन भी बता चुके हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। इस वीडियो में पूरे 7 लेसन का निचोड़ है, ठीक है। यहाँ देखिए ये दूरी निकालिए, फिर ए से सी की दूरी निकाल लीजिए, अगर इधर को जोड़ दे दोनों को,
आंसर जो आए और एसी वाला आंसर, अगर दोनों बराबर आया तो संरेखी है, अगर बराबर नहीं आया तो संरेखी नहीं है। यही होता है संरेखी का अर्थ, वो हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे। यहाँ से आप बना सकते हैं, दूरी फॉर्मूला से निकालना होगा तो ए बी की दूरी रूट में क्या होता है, रूट में होता है एक्स टू माइनस एक्स वन, चार माइनस दो का स्क्वायर प्लस ये घटाइएगा तो हो जाएगा पाँच माइनस तीन का स्क्वायर, ये हो गया ए बी का। फिर बी सी का दूरी निकले, बी से सी क्या हो जाएगा छः माइनस चार का स्क्वायर प्लस तीन माइनस पाँच का स्क्वायर, यानी कि इसका दूरी वाला फॉर्मूला ये और इसका दूरी वाला, अब बराबर ए सी दूरी का फॉर्मूला क्या होता है एक्स टू माइनस एक्स वन, यानी कि छः माइनस आपका हो जाएगा टू का स्क्वायर, सब रूट में होगा, और यहाँ पे हो जाएगा तीन माइनस तीन का स्क्वायर, तीन माइनस तीन का स्क्वायर। अब ये दोनों बनाना है ऐसे, इसको इधर अकेले बनाना है, दोनों का जो आंसर आएगा दोनों को जोड़ दीजिए, वो जो आंसर आएगा फिर ये वाला बनाइएगा, ये जो आंसर, अगर ये दोनों बराबर आया तो समझिए कि वो संरेखी है, अगर दोनों बराबर नहीं आया तो समझिए कि वो संरेखी नहीं है। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि संरेखी कैसे निकलता है। यहाँ देखिए थोड़ा सा सम दूरस्थ के बारे में जानते हैं, इस पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे किताब से, बुक से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीवीआई तो आपको बता देंगे। सम दूरस्थ, सम दूर अस्थ, ठीक है, इसका मतलब हो गया सम, दूर मतलब बहुत ही दूर, ठीक है, इसका मतलब अस्थ, समझिएगा। अब यहां आप सम दूरस्थ के बारे में समझिए, सम दूरस्थ का मतलब क्या होता है, सम दूरस्थ का मतलब होता है सम माने होता है बराबर, एक तरह से देखा जाए तो बराबर, अगर समान दूरी पर है, मान लीजिए कि हम यहां खड़े हैं और यहाँ से कोई एक लड़का और यहाँ से कोई एक लड़का, अगर मान लीजिए कि यहाँ से कोई चार मीटर दूरी पर है और फिर इधर वाला लड़का भी चार मीटर दूरी पर है, आप बताइए कि हम जहाँ खड़े हैं वहाँ से चार मीटर वो भी है और चार मीटर वो भी दूरी पर है, तो अगर दोनों लड़का चार चार मीटर की दूरी पर है इसका मतलब कि मेरे से वो समान दूरी पर है, इसको कहते हैं सम दूरस्थ। यानी कि मान लीजिए कि छोटुआ ए पर बैठा है, ठीक है, एक लड़का है जो बी पर है, एक लड़का है जो सी पर है, ठीक, तो ए से बी यानी कि ए से अगर मान लीजिए कि दो किलोमीटर दूर बैठा है, दो किलोमीटर, तो ये भी कितना बैठना चाहिए, दो किलोमीटर ही दूर अगर सी होगा तो ये समान दूरी पर है, इसी को सम दूरस्थ बोलते हैं। सम माने बराबर, दूर मतलब दूर, यानी कि बराबर दूरी पर अगर कोई बैठा है, अस्थ हुआ है, रुका हुआ है, उसी को कहते हैं सम दूरस्थ। यानी कि तो ऐसे ही क्वेश्चन दे देगा आपको, यहाँ इसका वैल्यू दे देगा दो कमा तीन, चार कमा छः, कुछ भी दे सकता है, तीन कमा सात, अब बोलेगा कि क्या यह समदूरस्थ है, तो क्या इसके बीच की दूरी निकालिए, जितना आएगा वो, इसके बीच की दूरी मान लीजिए कि चार सेंटीमीटर आ गया, इसके बीच की दूरी भी चार सेंटीमीटर आ गया, तो कहेगा अरे यार ये तो आसान है ना, यहाँ से भी ये चार मीटर दूर है और यहाँ से भी ये चार मीटर दूर है, इसका मतलब कि ये दोनों क्या है, समदूरस्थ है, ठीक है। तो समान दूरी पर अगर है, दोनों का दूरी बराबर है, तो उसी को कहते हैं समदूरस्थ, आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो इस पर ही हम लोग क्वेश्चन करेंगे, कैसे क्वेश्चन पूछता है, तीनों का पॉइंट दे देगा, बोलेगा क्या यह समदूरस्थ है, तो उम्मीद करते हैं कि संरेख और समदूरस्थ आपको बहुत ही आसान तरीका से समझ में आया होगा, इसका जब हम ऑब्जेक्टिव कराएंगे तो आपको बहुत ही आसान तरीका से पूरे प्रीवियस ईयर और पूरा जो भी जितना गाइड है उसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको निकाल करके आपके एग्जाम के लिए तैयारी कराया जाए, तैयारी बड़ी जबरदस्त तरीके से कराया जाएगा ताकि नंबर भी बड़ी मस्त तरीके से आए। तो फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।